नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था, लेकिन जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार पहुंचे और 16 सालों से बिहार की सत्ता पर बरकरार भी हैं। जब जब बिहार में चुनाव आता है तो ये नारा दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा, और इसी को देखते हुए अभी तक बिहार की सत्ता पे नीतीश कुमार बरकरार भी है और जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिताने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके कहीं ना कहीं बिहार की जनता, आम जनता परेशान दिख रही है। विगत कुछ दिनों से, कुछ महीनों से दरभंगा, गया और पटना का शेल्टर होम मामला जिस प्रकार से सुर्खियों में है, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बिहार पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन की पार्टी के जो पुष्कर जी है प्रदेश अध्यक्ष और सुनील जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, तमाम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जो दम भरते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, आखिर क्यों कानून के राज पर सवाल उठने लगा है, आखिर क्यों अपराधी नीतीश कुमार की पुलिस से क्यों नहीं डर रहे, आखिर क्यों अपराध के ग्राफ में लगातार बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार पप्पू यादव ने जिस प्रकार से आज हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा, वहीं कुछ दिन पहले की बात कर ली जाए तो लोजपा के राष्ट्रीय सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी राजभवन मार्च किया था और सीधे तौर पर कहा था कि बिहार में विधि व्यवस्था गड़बड़ है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पुष्कर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नीतीश कुमार 16 सालों से बिहार की सत्ता पर विराजमान है, कानून का राज है, सुशासन का राज है, लेकिन आप बताइए दरभंगा में जो हम घटना हुआ, जो गया में घटना हुआ, पटना सिटी में राहुल की हत्या कर दी गई, आखिर क्या कारण है कि लगातार अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रहा और नीतीश कुमार की पुलिस संभाल नहीं पा रही है बिहार को, आखिर विपक्ष से लेके तमाम लोग आप लोग हमलावर है, इस पूरे मामले पे आखिर क्या कारण है कि जंगल राज की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए रोहित जी, इस बिहार में जंगल राज नहीं, जंगल राज तो लालू जी के शासनकाल को कहा जाता था, यह नीतीश कुमार का जो शासनकाल है एनडीए का, यह महाजंगल राज है, महाजंगल राज जो भाजपा के बैसाखी पर चल रहा है। अगर यहां पर एक ही पक्ष दोषी नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार अगर यहां पर मुख्यमंत्री है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी पार्टी का है तो वह भाजपा का है, और जिस प्रकार से भाजपा का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और शेल्टर होम में जिस प्रकार से बच्चियों के साथ अनाचार दुराचार बलात्कार की घटना हो रही है, ऐसी जघन्य घटना कि शेल्टर होम में जिस जो पीड़िता है वो थाने में जाती है, डीएम मिलते नहीं है, थाने एफआईआर नहीं करते हैं, कैसा प्रशासन है, कैसी शासन है, कैसी लाचार व्यवस्था है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसी प्रकार से बेटी पढ़ेगा और बेटी बचेगा? शर्म आनी चाहिए गंदी सरकार को, शर्म आनी चाहिए एनडीए सरकार को। और मैं ये कहता हूं कि जिस घटना को अगर सही मायने में जांच किया जाए और जांच किया बिहार के मुख्यमंत्री के बेडरूम तक जाता हो, उस जांच का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। कैसी प्रशासन है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कैसी शासन है, कैसी लाचार व्यवस्था है बिहार में कि डीएम पीड़िता से नहीं मिलते हैं, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, 11 बार कोर्ट बुलाते हैं शेल्टर होम के संचालिका को, लेकिन वहां पर पहुंचते नहीं है, सारा तंत्र को, सारा व्यवस्था को भ्रष्टाचार के अंदर डुबो दिया है, और बिहार पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ दारू में, सारा व्यवस्था कानून से लेकर के हर चीज दारू में लगा हुआ है। किसी को कोई यहां पर अगर कोई जी रहा है तो अपना भाग्य से जी रहा है, कहीं किसी की हत्या आए दिन, या कोई अब 10-5 दिन का नहीं है, आए दिन अगर पेपर देखा जाए और बिहार का जिलावार देखा जाए तो हर जिला में रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में अपराधी सरेआम
गोली से भून देते हैं। जब एसएसपी का कार्यालय बिहार पुलिस का जहां पर सारे आला अधिकारी बैठते हैं वहां पर गोली मार दी जाती है तो व्यवस्था क्या है? जहां पर आप दो दिन पहले देखे होंगे एक हत्या हुआ था जिसके चाचा थाने से लेकर के एसएसपी कार्यालय में एसपी से मिलकर के निकलते हैं और उनको फोन पर आता है कि आपके भतीजे को गोली मार दिया जाता है। तो यह कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है? लालू जी के समय तो जंगल राज था, अभी महाजंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज। एक चीज बताइए, लगातार बेटियों को पढ़ाने बचाने की बात की जाती है, इस पूरे मामले में एसआईटी काम भी कर रही है, लेकिन अगर बात कर ली जाए गया की, तो आप देखे होंगे गया में किस प्रकार से जो महिलाएं थी उनका हाथ बांधा हुआ था, आखिर कहां पे है? मतलब रोहित जी, प्रशासन यहां बेलगाम हो चुका है, सरकार के द्वारा नियंत्रण में नहीं है, सरकार के नियंत्रण में प्रशासन है ही नहीं। जिस प्रकार से महिलाओं को पीछे हम देखे थे, पीछे हाथ बांध करके जिस प्रकार से उनको बैठा करके पुलिस रखी थी, भाई किस अपराध में? अपराध का ही तो होना चाहिए, हाथ में लिया गया, क्या कानून को हाथ में नहीं, कानून को तो एकदम पर्रे पर्रे उकार करके फेंक दिया गया है। कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है, न कानून नाम का चीज रहता तो दरभंगा में एक भाई को बहन को जिंदा जला करके मार नहीं दिया जाता। कानून का राज रहता तो एसएसपी कार्यालय के सामने एक जो इंजीनियर था, मैं पेपर में देखा, मीडिया पर देखा, आपके चैनल में देखा, एनबीसी न्यूज में, कि बेचारा इंजीनियर था लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि कर्जा लेकर के टेम्पू चलाता था। वो एक व्यक्ति को पैसा दिए हुए था नौकरी पाने के लिए, वो हमको गोली लगता है, एसपी कार्यालय की ओर दौड़ता है, तो जब एसपी कार्यालय के बाहर जनता सुरक्षित नहीं है तो हम और आप घर में क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? और जितने भी इसके पहले भी जो शेल्टर होम का हुआ, महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ था, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों, बाल गृह सुधार उसको कहा जाता है, सुधार गृह जहां पर सुधार के लिए रखा जाता है बच्चियों को, इसके पहले भी हुआ था, आखिर क्या हुआ जांच का? उसमें भी कोर्ट संज्ञान लिया था कि जब जांच का थोड़ा सा कदम बढ़ता था तो वहां पर जो पदाधिकारी थे उनको हटा दिया जाता था। तो सरकार इसमें पूरी तरह, जो अगर जांच हो तो सही में इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री लेवल एक वाक्य नहीं है, सेंटर पुष्कर जी एक वाक्य नहीं है। पप्पू देव मामला आपको याद होगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया किस प्रकार से पप्पू देव की निर्मम तरीके से पिटाई की जाती है जिसके वजह से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन क्या पुलिस का तर्क रहता है आपको भी याद होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कहां है, आखिर विपक्ष कहां है? जनता ने उनको जिताने का काम किया, इतने विधायक हैं, पप्पू यादव ने भी कहा कि विपक्ष जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा, अगर हालात ये रहेंगे तो कैसे संभलेगा बिहार? देखिए रोहित जी, पक्ष और विपक्ष का गठजोड़ हो चुका है, हम तो कहेंगे कि पक्ष और विपक्ष का गठजोड़ हो चुका है, कहां से चालू करें, कहां हम समाप्त करें? बिहार की हालत जब हम बताते हैं तो पत्थर को भी आंसू आ जाते हैं, यही स्थिति है। किसी भी मामले में घटना हो रहा है सेंटर होम का, और विपक्ष मामला उठा रहा है जनसंख्या का कि जातिगत जनगणना हो, अरे हसुआ के बिहार में खुरपी के बीच से कुछ होता है? अरे मुद्दा उठाना चाहिए तार्किक रूप से, जो जनता से सीधे संबंध रखता हो, मुद्दा उठाना चाहिए इस प्रदेश के असुरक्षित जो बेटियां हैं जो शेल्टर होम में, उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए बेलगाम अपराध का। लेकिन मुद्दा उठाया जा रहा है दूसरे तरफ, जनता को मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी लगातार तमाम चीजों पर निगाह बनाए हुए हैं, और हम लोग बहुत जल्द, चूंकि अब दो चार दिन में हम लोग भी अपना बैठक करके और इन तमाम मुद्दे पर, जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिल गया है तो मुख्य रूप से हमारी जैसे पार्टियों का वहां पर उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आवाज पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं सत्ता का लोग आनंद ले रहे, पक्ष तो सत्ता में ये है, विपक्ष के लोग भी सत्ता के डर से या ना जाने किसके डर से वो लोग प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। नहीं तो इस लोकतंत्र में जितना महत्ता सत्ता की होती है उससे
सत्ता विपक्ष हमारे हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं। सुनील जी, बिहार में 16 सालों से नीतीश बाबू हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा, ना हम किसी को बचाते ना फंसाते हैं, जिस प्रकार से गया में महिलाओं के हाथ बांधे जाते हैं, पुलिस मौजूद थी, आखिर किसको हक दिया गया कि हाँ कानून को हाथ में लेने का, दरभंगा में जिंदा जला दिया जाता भाई बहन को, पटना सिटी में अपराधी के द्वारा एक युवक को ठोक दिया जाता, आखिर हो क्या रहा है बिहार में? बिहार की कहानी ऐसी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजे टकेसर खाजा। नीम हकीम खतरे जान की कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी कि नीम हकीम खतरे जान, जिन्हें शासन का पता ही नहीं है, सरकार का पता नहीं है, चलाने का उनका तजुर्बा ही नहीं है सरकार का, वो सरकार प्रशासन पे कैसे लगाम लगा सकती है। 15 साल जब यूपीए की सरकार रही, उस समय हवाला इन्होंने दिया कि हम जैसे सरकार में आकर के हम बिहार को बहुत अच्छा ढंग से चलाएंगे। पब्लिक ने उनको मौका दिया, खूब अच्छे ढंग से मौका दिया। सन 2000 से वो शासन में आए, लेकिन लगातार अपराध का ग्राफ लगातार, जैसे कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की कहानी बहुत पुरानी हो गई, ये तो नई है, वो पुरानी थी। तो ऐसे अपराधों को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी को इस पे विचार करना पड़ेगा कि क्या हमारे देश की जनता के साथ ऐसी सरकार चले। तो कुर्सी मुंह में लोग पागल हैं, विपक्ष कहता है कि हम क्या बोलता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बस खरमास खत्म होने दीजिए, फिर खेला होगा, आखिर यही सब चीज पे तर्क भी तर्क होगा कि तो बिहार की जनता के लिए भी कोई देखेगा ये लोग। तो यही 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 सवाल हम जैसे राजनीतिक पार्टियों को विचारनीय है कि हम जो भी राजनीतिक पार्टी आज के डेट में शासन व्यवस्था चलाने के लिए उतारू है बिहार की, कि मैं बिहार को सुयोग्य बनाऊंगा, मैं बिहार को एक अच्छा बिहार बनाऊंगा, एक अच्छा राज्य के दर्जे की तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ के लोगों को सुख चैन की रोटी खिलाऊंगा, ये दावा हर सरकार करती है, लेकिन जब प्रतिपक्ष चुप हो जाए पक्ष के आगे, तो ये सरासर पब्लिक के साथ धोखा है कि क्या वो सत्ता में आ करके इनकी आवाज को उठाएंगे जो आज नहीं उठा रहे हैं। गायघाट का मामला सबके सामने रहा कि पीड़िता थाने तक जाती है, उसको लेके जाया जाता है, थानादार कहता है किसी जी हमारा एरिया नहीं है, हम इसको संज्ञान, अरे भैया कैसा प्रशासन है, कैसे थानेदार हो आपको यहां पे डिपूट सरकार ने किस लिए कर रखा है, पब्लिक के हर मतलब गतिविधि पे नजर रखने के लिए कि पब्लिक में कहीं भी गलत हो रहा है उस पे आप निगाहें बनाएं, और यहां पीड़िता चल के आ रही है कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और आप उसका एक FIR तक नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए था जो इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी बैठा था, जिसने मना किया पहली FIR फर्स्ट रिपोर्ट लिखने के लिए। उसके बाद DM साहब के पास, वो कहते हैं कि नहीं हमारा मामला नहीं है जी, इसको तो DM साहब के पास आप लेके जाइए, ठीक है आप जिला अधिकारी हैं, आपके ऊपर जिला की पूरी जवाबदेही है कि हमारे जिले के अंदर शासन व्यवस्था से लेके पब्लिक व्यवस्था तक हमारी खराब ना हो, उसी पूरी जिम्मेवारी जिला अधिकारी की होती है। वो कहते हैं कि हमें इस घटना से कोई मतलब नहीं, अब थाने लेकर के जाइए। तो इस सत्ता का खेल अगर न्यूज चैनल के माध्यम से पब्लिक तक पहुंच जाती है, क्या बिहार सरकार तक नहीं पहुंचती? दरभंगा की बात करिए ना, दरभंगा में भी तो बिहार की राजधानी पटना की बात हो रही है, लगातार सब जगह तो बुरा ही हाल है। तो हर ये दरभंगा का जो आग जला दिया गया, उसमें भी जैसे सरकार के पास क्या खबर नहीं है, जघन्य अपराध। लेकिन इन जघन्य अपराधों को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी को, मैं ये कहता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी को, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी अभी पुनः जो है राज्यपाल से मिलने वाले हैं इसी मामले को लेकर के, कि बिहार की स्थिति तार तार हो रही है, यहां की जनता आज भय के साये में जी रही है, यहां की जनता को बिल्कुल सरकार पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि क्या इस सरकार में हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सरकार को जनता को यह भी जो है कि भरोसा नहीं है कि क्या जो अगली सरकार जो बनाने का दावा कर रहे हैं कि मैं यूपीए गठबंधन में या मैं बिहार पे अगर काबिज होकर के मैं बिहार को चलाऊंगा, तो उनसे ऊपर पब्लिक पहले डरी हुई है कि जो प्रतिपक्ष में रहकर के आवाज नहीं उठा सकते, क्या सत्ता में रहकर के उनकी देखिए बिल्कुल लगातार जिस प्रकार से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते अपराध को लेके जो विपक्ष है वो तो भले ही सवाल ना उठाए, दूसरे मुद्दे को उठाने का काम करिए, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर हैं,
वो इस पूरे घटनाक्रम को लेके कहीं ना कहीं चिंतित है, आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पे बता रहे हैं कि बिहार की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। इस पूरे मामले को लेके वो राज्यपाल से मिलेंगे, तमाम चीजों को अवगत कराने का काम करेंगे, लेकिन जनता जिस आस में थी कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान, पप्पू यादव लगातार सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनजन के पार्टी के तमाम नेता बैठक करेंगे और किस प्रकार से तमाम चीजों को अवगत कराने का काम किया जाए, किस प्रकार से जो बिहार पुलिस है जो तमाम अपराध के ग्राफ को संभाल नहीं पा रही है, लगातार अपराध भी बढ़ रहा है, इस तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरने का भी काम करेगी।